मैं तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा। और भाई लोग कैसे हो आप? अरे मां चुदी पर ही सही पकड़े हैं। मैं हूँ आपका होने वाला फेवरेट यूट्यूबर। अबे साले चल बाजड़ी। मुझे ना इस यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज का कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ ये वीडियोस पहुँचती कैसे? आजकल पता है क्या चल रहा है? पड़ोस वाली भाभी से प्यार बाय आरके फिल्म्स। भेंचो देखता कौन है इसे? हद है भेंचो, इसे देखकर तो मोदी की बोलती बंद हो गई। मजे की बात यह है कि 4000 लोगों ने इस पे हिलाया भी है। देख रहे कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। खैर आज हम दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मोहब्बत, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेबी, सोना वगैरह वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे लड़कों की, जिनमें आते हैं सस्ते आशिक। ये वो लोग होते हैं जो पापा की परियों को हाउस यू के मैसेज करते हैं, चाहे वो अकाउंट फेक हो या असली। पैसा बर्बाद बहन। ये चूजे हर बात कैन आई आस्क यू समथिंग से शुरू करते हैं, और जब इन्हें पता लग जाए कि अकाउंट फेक है, ये तब भी उन्हें मैसेज करते रहते हैं कि शायद दे दे। और जब कुछ नहीं मिलता तो चुपचाप मुठ मार के सो जाते हैं। 70-70 क्रश होते हैं इनके, और प्यार भी दिन में 4 बार होता है। अस्सलाम वालेकुम माही, यू नाउ यू आर माई हार्ट, यू आर माई ब्रीथ, आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच, आई किस यू सो मच। घर में रोटी मिले ना मिले गर्लफ्रेंड साथ होनी चाहिए। फेसबुक बायो पे हार्ट हैकर लिखते हैं ये। देवर भाभी के वीडियोस पे व्यूज देने वाले भी यही होते हैं। दूसरे टाइप वो लोग होते हैं जिन्हें एक बार गर्लफ्रेंड मिल तो जाए, फिर सुबह शाम बेबी बेबी बेबी। उनको कलोना हो गया। हाँ बेबी। ओ आप सही कर दो ना मुझे प्लीज। लुको बाबू मैं भी चेक कर देती हूँ। चुप चुप कलोना चुप, भाग जा मेरे बाबू के पीछे। मेरे गाल में उंगली मत कर, ये तो तेरे गाल में हाथ डाल देगा पूरा, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। मेरे बेबी ने ताना ताया, मेरे बेबी ने टट्टी की, मुआ मुआ की माँ फाड़ते रहते हैं ये। घर में 100 काम होते पर गुड मॉर्निंग बोलने में आधा दिन गुजार देते। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। इनके ज्यादातर ब्रेकअप सिर्फ इसलिए होते हैं कि टाइम पे रिप्लाई नहीं किया है? गर्लफ्रेंड का इतना ध्यान रखते हैं कि पहले अपने बाप से पैसे मांगते हैं, फिर अपनी माँ के पर्स से चुराते हैं, और फिर अपनी गांड को OLX पे लगा देते हैं कि शायद कुछ पैसे वहां से आ जाए। पर OLX इनकी गांड का करेगा क्या? ठुकाई, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। फिर इनके वादे शुरू हो जाते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे जहन में जो उल्टी उल्टी बातें आती है ना, इनको मत लाया करो, क्योंकि इनसे इसी को दुख होता है। सब जानना है इस बड़वे को। झट पे बाल उगी नहीं और इनको प्यार हो जाता है। इमेजिनरी बच्चे हो जाते हैं और उनके नाम भी रख लेते हैं। फिर 15 रुपए की अंगूठी देके ये कह देते हैं कि बेबी तुम सिर्फ मेरी हो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। चाहे फिर वो कहीं और भी मुंह मारे। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। हुबा हुबा दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। नोबडी गिव्स यू द फकिंग राइट। ब्रेकअप के बाद 15 दिन तक दोनों अपनी रंडी रोना छोड़ेंगे, और जो इमेजिनरी बच्चे पैदा किए उन्हें हिला हिला के गटर में बहा देंगे दोनों ही। तीसरी टाइप है हमारे इंजीनियर्स। सारी उम्र कभी क्रश नहीं होता, हो भी किससे, मर मर के क्लास में एक लड़की होती है जिसका पहले से एक अमीर बॉयफ्रेंड होता है। क्यों? क्यों? बाथरूम में हिला हिला के सारा फ्लोर चिकना कर देते हैं ये। पंखे लो ले। सही पकड़े हैं। अब आते हैं लड़कियों पर। पहले आती है गोल्ड डिगर्स। इन्हें जहाँ पैसा नजर आ जाए वहीं क्रश, आईफोन दिख जाए क्रश। सीधी बात ये है कि ऐसे गोल्ड डिगर्स को पटाए रखने के लिए पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, त्याग भी देना पड़ेगा, दुकान बंद करके कई महीनों तक टाइम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए इसे ही ले लो,
इसे कौन सी मौत पड़ी थी जो इसने इससे शादी कर ली थी? शादी कर ली? इस बंदे की हरकत देख लो तो इसे शायद ढिंचाक पूजा भी मुंह ना लगाए, पर किस्मत देखो रोज रात सोने के पहले बीवी पूछती है, थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अब दूसरी ये जो हर लड़के को ठरकी ठरकी पॉवर्ट पॉवर्ट करके बुलाती है और असल में खुद सबसे बड़ी पॉवर्ट है। दो दो बंदे होते हैं इनके, पर फिर भी नजर तीसरे और चौथे पर। इनका बस चले तो बॉयफ्रेंड की सेंचुरी मार दे। जब भी कोई पूछता है कि कितने बॉयफ्रेंड है तो ये कहते हैं 15, पर ये वाला लास्ट है। और ये वाला लास्ट भी तब तक जब तक ये खिलाता रहे। जैसे ये खिलाना बंद कर देगा तो ये प्यार से बोलेंगी, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। लास्ट वाला सेकंड लास्ट बन जाएगा और लास्ट कोई और बन जाएगा। तीसरे नंबर पर वो लड़की आती है जिनका मुंह तभी खुलेगा जब खाना आएगा। एक नंबर की बुक्कड़। इनके भी अलग अलग किस्में। क्या बात कर रहा? अगर गोरेगांव की है तो 400 का खाएगी, अगर कोलाबा की है तो 800 का खाएगी, और अगर भिवंडी की है तो पहले पूरा मुर्गा खाएगी, फिर प्लेट चाटेगी, और प्लेट चाटने के बाद प्लेट भी खा जाएगी। साले कुत्तों की जिंदगी। इनका जब अपने बॉयफ्रेंड से दिल उठ जाता है तो बोलेंगी, जानू आज के बाद कोई गंदा काम नहीं करेंगे। इसके जवाब में बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है, फिर बिल भी अपना अपना भरेंगे। इसके जवाब में लड़की कहती है कि ठीक है, पर मैं खोड़ी नहीं बनूंगी। अब आते हैं स्टॉकर पर। ये पॉइंट लड़का लड़की दोनों पर अप्लाई होता है। इन्हें जब कोई पसंद आ जाए तो ये उनका फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, टिंडर, शलगम, सुजुकी, मोटरोला, ट्विटर, पॉनहब, सब जगह उसे सर्च करेंगे कि कहीं से झलक मिल जाए। और जैसे ही इन्हें फोटो मिलती है इनकी लार टपक जाती है। खंड चुतिया पवेंचु। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो यार आज के लिए बस, आज का वीडियो मैं एक शेर के साथ एंड करूंगा। अर्ज किया, अर्ज किया, हमने तो वफा की थी, उसी ने दिल तोड़ा मेरा। एक दिन आके पूछने लगी हमसे, क्या याद आती है मेरी, हमने भी कह दिया लौड़ा मेरा। इस वीडियो को लगाते हैं विराम। अब आप लोग मेरे बोलने से तो लाइक और सब्सक्राइब करोगे नहीं, नहीं। हाँ पता है हरामखोरों, इसीलिए लड़की के मुंह से बुलवा रहा हूँ। बोलो कमला विमला, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब। चलो यार मैं चलता हूँ, मुझे लड़की को इम्प्रेस करने जाना है। अरे सुशांत जरा 2,000 रुपए दे दे यार, अगले हफ्ते लौटा दूंगा। क्या पैसा फोकट गया था क्या हमारा, हमको रात में काम लग गया, क्या करेंगे बहनचोद। हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, बतलाइए ये लड़की कैसी है, देखिए बहुत शर्मा रही है। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं चवनप्राश देखो। बाबू तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाया हूँ। गाजर का हलवा, हट बड़ो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आई डोंट नो।